host Megha, and a very warm welcome to our special program, which is all about Sadabahar actress Rekha. जी हाँ, evergreen actress Rekha से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर हमारे खास प्रोग्राम में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। रेखा का नाम जहन में आते ही क्या आता है आपके दिमाग में? रेखा का नाम सुनते ही उनकी खूबसूरत सी मुस्कान के साथ कई सवाल दस्तक दे जाते हैं, और ऐसा ही सवाल उठता आया है जिसका जवाब हम आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए देंगे। रेखा जो है उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर फिल्मी पर्दे से दूर हैं, मूवीज में वो आती नहीं है, तो अपनी लैविश लाइफस्टाइल को बैलेंस कैसे करती हैं? कमाती कहाँ से हैं? खर्चा कैसे चलाती हैं? क्योंकि भाई सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल है, हाई स्टैंडर्ड लाइफ है, उन्हें मेंटेन करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी चाहिए। लेकिन अगर पर्दे से दूर है रेखा तो कैसे करती हैं कमाई, और इसी कमाई पर करेंगे खास पेशकश में आपसे बात। सदाबहार अभिनेत्री रेखा जो है वो अभी फिल्मी पर्दे पर भले ही एक्टिव ना हो, लेकिन एक टाइम पर तो बैक टू बैक फिल्में कर रही थी। तो रेखा की जो सोच है वो बिल्कुल आपके और हमारे पेरेंट्स की तरह है। जब आज पैसा है तो खर्चने के बजाय रेखा ने उसे सेव करने में ज्यादा दिमाग लगाया। रेखा ने पैसे सेव किए ताकि वो पैसे आगे चलकर उन्हें काम आए, और डेफिनेटली आइडिया बड़ा ही ब्रिलियंट रहा। जब आज की तारीख में वो फिल्मी पर्दे पर एक्टिव नहीं है तो भी कुछ कॉन्टैक्ट्स उनके पास ऐसे हैं, और काम करने के पैतरे बेहतरीन तरीके से जानती है, तभी आज की तारीख में किसी पर वो डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अच्छे खासे पैसे उनके पास आते हैं। लेकिन ये अच्छे खासे पैसे आते कैसे हैं, इसके 9 रास्ते हैं, और वो 9 के 9 रास्ते हम आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। वो 9 रास्ते, 9 नुस्खे, 9 तरीके जिनके जरिए अपनी लैविश लाइफस्टाइल को बैलेंस करती हैं रेखा, अच्छा खासा कमाती है रेखा, और किसी पर डिपेंड नहीं है रेखा। तो बुढ़ापे में कैसे चल रहा है रेखा के घर का खर्चा, डालिए नजर हमारी खास रिपोर्ट पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जिनकी पर्दे पर खूबसूरती आपने देखी, जिनकी अदाएं आपने देखी, जिनकी आंखों की मस्ती आपने देखी, आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सदाबहार अभिनेत्री रेखा फिल्मों में एक्टिव नहीं रहती हैं, तो आखिर अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी को बैलेंस कैसे करती हैं? अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए पैसे कहां से लाती हैं? शुरुआत करते हैं रेखा के घर से। मुंबई के बांद्रा स्थित अपनी सी फेसिंग बंगले में रेखा रहती हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर दशकों तक रूल करने वाली रेखा फिल्मों में एक्टिव नहीं है, किसी एड में नजर नहीं आती, तो अपनी लैविश लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करती हैं? इसके 9 पॉइंट्स हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। पहला, प्रॉपर्टी। सोर्सेस की माने तो रेखा के मुंबई और साउथ इंडिया में काफी प्रॉपर्टी है जिन्हें उन्होंने रेंट पर दे रखा है। रेखा की नेट वर्थ $40 मिलियन यानी 296 करोड़ रुपए है। रेखा की कमाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, साल 1980 से 81 में रेखा ने 4,25,00,000 रुपए बतौर इनकम टैक्स चुकाए। दूसरा, सोर्स ऑफ इनकम, फिल्म। रेखा आजकल बड़ी मुश्किल साल में एक आध फिल्म में नजर आती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो एक ही फिल्म करती हैं, पैसे उसके काफी अच्छे लेती हैं। तीसरा रास्ता, ब्रांड एंडोर्समेंट। दरअसल सदाबहार अभिनेत्री रेखा कम ही एड शूट करती हैं, लेकिन उन्हें एंडोर्समेंट के लिए पे किया जाता है, कभी कभार ब्रांड एंडोर्स करती हैं। फोटोज को होर्डिंग और डिस्प्ले के लिए भी खूब यूज किया जाता है, तो इसके लिए उन्हें एक अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। कुछ साल पहले बिहार सरकार ने रेखा को बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो यानी सदाबहार अभिनेत्री रेखा फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी जो है, उनकी खूबसूरती जो है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है, आज तक उन्हें अच्छी खासी कमाई देती है। चौथा, फिक्स्ड डिपॉजिट। रेखा फिजूल खर्ची में यकीन नहीं करती, वो पैसों की सेविंग पर काफी ध्यान करती हैं। अपने करियर के जब वो पीक पर थी तो उन्होंने सारा पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, जो आज तक उनके काम आ रहा है। पांचवा पॉइंट,
पुराना स्टाफ। रेखा के स्टाफ की बात करें तो कई दशकों से उनके यहाँ एक ही ड्राइवर, एक ही वॉचमैन है, उनके सेक्रेटरी फरजाना। साय की तरह रेखा के साथ रहती है, मतलब खुद को मेंटेन करने के लिए वो ज्यादा स्टाफ नहीं रखती। रेखा सेव करने में यकीन करती हैं। उनका मानना है कि सेव करने से पैसा आता है। मिडिल क्लास इंडियन वैल्यू को वो मानती हैं। डिजाइनर साड़ी नहीं पहनती, लेटेस्ट कार नहीं खरीदती, फॉरेन हॉलीडे पर नहीं जाती, सिर्फ जरूरत पर ही पैसे खर्चती हैं। यानी आज की तारीख में फिल्मी पर्दे से दूर रहने के बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में इसलिए नहीं होती क्योंकि सदाबहार अभिनेत्री रेखा फिजूल के खर्चों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। राज्यसभा की ओर अगर रुख किया जाए तो रेखा राज्यसभा की सांसद हैं, पार्लियामेंट में 26 अप्रैल 2018 से हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, जिसे लेकर जानकारी मिली है। एनुअली रेखा को भत्ते के तौर पर 65 लाख रुपए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेखा जो कपड़े पहनती हैं उन्हें देखकर सबके जहन में सवाल आता है कि काम तो नहीं कर रही फिल्मों में, फिर इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए पैसे कहां से आते हैं? तो इसका भी जवाब है। दरअसल रेखा को जितनी भी साड़ियां वो पहनती हैं गिफ्ट्स में मिलती हैं। उनके पास साड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है और इसी कलेक्शन में कांजीवरम सिल्क, बनारसी, महेश्वरी जैसी साड़ियां हैं उनके। डिजाइनर्स के पास जाकर वो ड्रेसेस डिजाइन नहीं कराती, उन्हें जो कपड़े गिफ्ट में मिलते हैं वो उन्हीं को पहनती हैं। टीवी शोज में रेखा की अपीयरेंस से उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती है। कई टीवी शोज हैं जो रेखा को इनवाइट करते हैं, रेखा की प्रेजेंस के लिए रेखा को पेमेंट मिलती है। जब कोई अपनी फिल्म या शो का प्रमोशन करने के लिए हालांकि किसी रियलिटी शो में जाता है तो उन्हें पे नहीं किया जाता, लेकिन सदाबहार अभिनेत्री रेखा के केस में बिल्कुल अलग है। रेखा जहां भी जाती है, किसी शो में जाती है, रियलिटी शो में, तो इसके लिए उन्हें पे किया जाता है। 9वां पॉइंट, रिबन कटिंग सेरेमनी। जब भी बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ लॉन्च करती हैं या पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं तो स्टाफ को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाती हैं, स्टार्स को इनवाइट करती हैं, इसके लिए उन्हें बड़ी रकम देती हैं। तो रेखा को शादी पार्टी, बर्थडे में जाने के लिए पे किया जाता है और इसलिए रेखा इन सब इवेंट्स में नजर आती है। यानी पर्दे से दूर है रेखा, लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए वो आज भी अच्छा खासा कमा लेती हैं।